हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निखिल। तो यार आज हम आउटलाइन ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कैसे आउटलाइन ड्रॉ करना है ड्राइंग के लिए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए HB पेंसिल लेना है। मैं आर्ट लाइन का लिया हूं और एक मैकेनिकल पेंसिल भी लिया हूं, इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं 0.7 mm का लिया हूं और एक इरेजर, बस इतना ही हमको लेना है। उसके बाद आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है। तो मैं अनुपम ब्रांड का बुक यूज़ कर रहा हूँ, 95 GSM का, आप देख सकते हो 95 GSM का बुक है और ये 40 rupees का आपको मिल जाएगा। काफ़ी चीप है, इजिली मिल जाएगा मार्केट में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है बिना किसी टूल को यूज़ किए बगैर। तो मैं इसको खींच ले रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करना है आपको, बस एक चीज़ ध्यान देना है मैं जो बोल रहा हूँ। आपके रेफरेंस जो है, मतलब आपका फोटोग्राफ जो है, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन खींचना है। जैसे कि आपका फोटो किस डायरेक्शन में गया है, मतलब फेस कहाँ पे है, हरदम नोज़ के बीच में या फिर नोज़ या आइज के बीच में उसके एज पे हम लोग को लाइन खींचना चाहिए। तो उसके बाद उसी हिसाब से हमको बीच में आगे कहाँ पे आएगा फेस हमारा, किधर पे आएगा। जैसे कि अभी देखो, इधर पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अभी एकदम कॉर्नर में अगर लाइन खींचा रहता तो मेरा फेस नहीं आता, तो उसके लिए मैं बीच में इसको लिया था। तो इसी हिसाब को आपको करना है। तो अभी देख सकते हो मेरा नोज़ वोज़ बन गया है। तो देख सकते हो, जैसे कि अभी देखो नोज़ कितना बाहर है, इसमें ये समझ में आ जाता है। अगर फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो इसमें इतना समझ में नहीं आता। तो मेथड का एक और बेनिफिट है, इसमें अपना ड्राइंग जो है छोटा बड़ा है, मतलब जैसे जिस साइज को अपने ड्रॉ करना है ये मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मेथड है यार, इससे काफ़ी एक्यूरेट भी ड्रॉ किया जा सकता है फुल टाइम दे। मुझे इसको अराउंड ड्रॉ करने में मेरे को 28 मिनट लगा था, ज़्यादा टाइम मुझे इसको ड्रॉ करने में नहीं लगा था। तो आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको लगे कि 30 या फिर 40 मिनट तक ड्राइंग ड्रॉ करना चाहिए, मतलब आउटलाइन ड्रॉ करने में लग रहा तो वेस्ट टाइम है, बाकी 1 आवर भी ठीक ही ठाक है। तो 30 या 40 मिनट तक एकदम बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, जहाँ मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से। तो देख सकते हो मेरा ड्राइंग काफ़ी आगे, मतलब ड्रॉ कर चुका हूँ। अभी देखो जैसे मेरा चिन वगैरह है, तो उस पर लाइन की वजह से देख सकते हो कितना किधर पर जाना है, वो समझ में आ जाता है। मेथड में यही रहता है, आप ट्राई करना एक बार ज़रूर, ट्राई करके समझना कैसे ड्रॉ करना है। इसमें बस ये रहता है कितना जूम करना है, क्या करना है, इसमें ये नहीं समझना रहता है, ये अपना लाइन समझना है किधर पे कितना निकला है बस ये। और ये जो ड्रॉ करोगे ना, इसमें एक बात और ध्यान देना, जो अपना लाइन रहना स्ट्रेट ही ड्रॉ, स्ट्रेट एकदम ड्रॉ करना, नहीं तो अगर लाइन में इधर उधर थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो गया ना तो उसमें दिक्कत होगा। बाकी स्केल भी यूज़ कर सकते हो आप ड्रॉ करने के लिए, स्केल से अगर ड्रॉ करोगे तो काफ़ी मतलब सही रहेगा। तो भी देख सकते हो मेरा ये थोड़ा बहुत जो हेडफोन वगैरह है इसको ड्रॉ करेंगे, और क्लोथ जो है क्लोथ का मतलब आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंस तो समझते हो नहीं रहता। तो अभी इसके बाद माइक ड्रॉ करेंगे आगे का हम लोग। HB पेंसिल देख सकते हो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितना मतलब हल्के प्रेशर से ड्रॉ करना चाहिए एकदम आउटलाइन, नहीं तो पेपर डैमेज हो जाएगा। मेरा 95 GSM का पेपर है अनुपम ब्रांड का, तो समझ सकते हो कितना पतला होगा। तो अभी देख सकते हो मैं अभी माइक ड्रॉ कर रहा हूँ, माइक का जो डाल रहता है आगे का। तो अभी देख सकते हो ओवरऑल ड्राइंग तो मेरी हो ही गई है समझ लो। तो पार्ट टू आएगा यार फ्रेंड्स, शेडिंग ट्यूटोरियल, उसको भी ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें चारकोल से हम शेड्स करेंगे क्योंकि उसमें डार्क बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं, देख सकते होगे फोटोग्राफ देख रहे हो। तो यार इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी मज़ेदार रहेगा, हम ड्रॉ करेंगे। और पहली बार मैं मतलब चारकोल से वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर ड्रॉ करके, तो यार काफ़ी मज़ा आएगा, वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। तो ये आउटलाइन जो है इसको बस, इसमें एक चीज़ है, प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपका इम्प्रूव होगा, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ड्राइंग इम्प्रूव होता है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है टाइम और पेशेंस, इसमें जितना लगाओगे उतने अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो मेरी ड्राइंग अभी ड्रॉ हो गया, आई होप आपको जो मैं समझाने का या फिर कहने का मतलब बताने का कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया यार तो कमेंट बॉक्स में बताना और बता देना कितना मैच किया है ड्राइंग। तब तक के लिए बाय बाय।